In the previous lecture on Bohr's theory, we have seen actually the important postulates of this theory. In fact, uh, we have discussed the postulates on which Bohr framed his atomic model for the hydrogen and hydrogen like atoms. Now, uh, in this uh, lecture, we will see the important calculations. On the basis of those uh, postulates. In fact, uh, the two basic postulates of both theory is utilized to find the expression for radius of the orbit, speed of electron in that very orbit, and energy of the electron in a particular orbit. And the third one is utilized to explain the hydrogen and hydrogen-like spectrum. Toh, आपके सुविधा के लिए हम लोगों ने जो पिछले क्लास में बोर्स पोस्टुलेट पढ़ा हम उसका एक जस्ट एक रेज्यूम आपको फिर बता रहे हैं क्योंकि ऐसे रिजल्ट का ही उपयोग करते हुए हम लोग आगे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन रिगार्डिंग द बोर थियोरी करने वाले हैं तो सबसे पहले आप देखिए आपने जो एक इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशन फॉर मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या इसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रन कर सकते हैं हम लोगों ने देखा था पोस्टुलेट में कि बोर पोस्टुलेट में यह माना गया था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन किसी भी पार्टिकल का तभी पॉसिबल है जब उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता हो तो बोर्स पोस्टुलेट के हिसाब से एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या कोलम्बियन एट्रैक्शन एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रॉन पर और वही कोलम्बियन एट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन को उसके सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और वह इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पर मोशन करता है इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक मैकेनिकल मकैनिकली स्टेबल है उस ऑर्बिट में और इस आधार पर यदि आप न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लिखते हैं दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हाट विल बी दैट वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज एफ इक्वल टू एम ए यहाँ एफ से हमारा सेंस है कोलम्बियन फोर्स और आप जानते हैं कि अगर हम एक हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर जेड है तो न्यूक्लियस का चार्ज होगा प्लस जेड ई और सपोज करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वह एक एनथ ऑर्बिट में मोशन कर रहा है विथ भी एन स्पीड ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है कुलम्स लॉ के हिसाब से दैट विल बी वन ओवर फोर पाई एफ नॉट जेड ई इनटू ई डिवाइडेड बाय आर एन स्क्वायर और यही फोर्स बराबर होगा मास इनटू एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन क्या होता है तो वी स्क्वायर बाई आर यहाँ हमने स्पीड को एन एथ ऑर्बिट होने के कारण वी एन माना है सो दैट विल बी वी एन स्क्वायर बाय आर एन अगर आप यहाँ देखें तो हम एक आर एन को एल एच एस में इस आर एन से कैंसिल कर देंगे और सिंप्लीफाइड रूप में यह इक्वेशन हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन इक्वल टू एम भी एन स्क्वायर तो एक इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट यह था जिसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रन कहते हैं या कंडीशन फॉर मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रन कहते हैं जो दूसरा इम्पोर्टेंट पोस्ुलेट था दैट इज कॉल्ड बोर्स क्वांटम कंडीशन और आपने सीखा था कि बोर पॉस्युलेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन हर एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन नहीं कर सकता है बल्कि वह कुछ सेलेक्टेड ऑर्बिट में ही मोशन करता है उस ऑर्बिट में जिसे आप कहते हैं स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब वैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करे तो उसके द्वारा एनर्जी का लॉस नहीं होता है लेकिन वह ऑर्बिट हम पता कैसे करेंगे तो बोर पोस्टुलेट कहता है कि वही ऑर्बिट स्टेबल होगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसे आप लिखते हैं एम इंटू वी एन इंटू आर एन दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाए दैट इज एन इन टू एच बाई टू पाए जहाँ एन वन टू थ्री एंड सोन नंबर्स है जिसको हम लोग एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं या यहाँ आप इसको ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं तो ये जो कंडीशन है दिस इज़ नोन एज बोर्स क्वांटम कंडीशन आपने इसको डिटेल पिछले क्लास में पढ़ा है अब तीसरा इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो इनफैक्ट आइडिया देता है स्पेक्ट्रल लाइन के ओरिजिन का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन लाइक के आइटम का जो स्पेक्ट्रम है वह कैसे एराइज होता है उसका आइडिया देता है इस हिसाब से अगर आप मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन इनिशियली एक ऑर्बिट में या एक एनर्जी लेवल में है जिसका जिसमें उसका एनर्जी है ई और उस ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर है एन आई और इनफैक्ट यह एक हायर एनर्जी लेवल है और दूसरा ऑर्बिट जो पहले के तुलना में लोअर एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है ई एफ और उसके कॉरस्पोंडिंग क्वांटम नंबर है एन एफ बोर पॉसुलट कहता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस एन आई ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और वह डिसकन्टिन्यूसली जंप करके उस ऑर्बिट में आता है जिसका जिसके कॉरस्पोंडिंग क्वांटम नंबर है एन एफ तो ऐसी स्थिति में दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन इमिटेड होता है तो अगर हम मान लें कि इमिटेड फोटोन या इमिटेड रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वह न्यू के बराबर है तो उसका एनर्जी होगा एच न्यू हुग और बोर पोस्टुलेट के हिसाब से दिस एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ और इससे अगर आप न्यू निकालते हैं तो दिस विल बी ई आई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई एच इनफैक्ट यहाँ जो न्यू है दिस इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन या इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं बेसिकली इसी तीनों पोस्ुलेट के आधार पर हम लोग इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस करते हैं जो पहला दो पोस्ुलेट है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड बोर्स क्वांटम कंडीशन उसके आधार पर तीन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका रेडियस क्या होगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा और एनर्जी क्या होगा ये तीन कैलकुलेशन करेंगे और ये जो तीसरा पोस्टुलेट है इनफैक्ट इसको यूटिलाइज करके हम लोग हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक -like एटम के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे जो कि सब्जेक्ट मैटर होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर का आज के लेक्चर में हम लोग केवल इस तीन क्वांटिटी का कैलकुलेशन देखेंगे लेकिन एक बात जो हमने पिछले क्लास में भी आपसे कहा था कि इनिशियली जब बोर थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं तो बोर ने सिंपल कैलकुलेशन के लिए एक बात शुरुआत में माना था कि हमारे एटम का जो न्यूक्लियस है ये जो न्यूक्लियस है इसको एश्यूम करते हैं कि दिस इज वेरी मैसिव दिस इज इन्फाइनाइटली मैसिव इन कम्पेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के तुलना में हमारा न्यूक्लियस बहुत ही मैसिव है और ऐसी स्थिति में भले यह टू बॉडी प्रॉब्लम है लेकिन हम लोग यह अस्यूम कर सकते हैं कि ड्यू टू तो द इन्फाइनाइट मास दिस न्यूक्लियस रिमेन्स एट रेस्ट ड्यूरिंग द इंटरेक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूक्लियस पर भी लगेगा न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन पर भी लग रहा है लेकिन उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा न्यूक्लियस नहीं क्योंकि न्यूक्लियस को आप एश्यूम करते हैं कि वह इनफाइनाइटली मैसिव है दिस इज जस्ट एन एजम्पसन आगे के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस को फाइनाइट मास का मानते हुए जो कि रियलिटी है उसके मोशन को भी अंडर अकाउंट लेंगे और वैसा भी थियोरी आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन इस कैलकुलेशन में यह मान करके चलना है कि जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है तो न्यूक्लियस रेस्ट में ही रहता है सिर्फ इलेक्ट्रन मोशन में रहता है क्यों कारण क्या है तो कारण है न्यूक्लियस का बहुत ही लार्जर मास इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रन हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन सारी बातों को सीखा होगा समझा होगा ये सब बात अभी तक जो हमने की ये सब पुरानी बातें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अब अब इसी एजम्सन के आधार पर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसकी बात करने जा रहे हैं तो फर्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेशन देखिए हम लोग ये रेडियस कैलकुलेशन आपने जो दो पोस्टुलेट पहले पढ़ा एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने देखा है कि वह इक्वेशन हमने अभी निकाला था जस्ट कि दिस इज जेड ई स्क्वायर बाय फोर पाइप एफ्स नोट एन नॉट आर एन इक्वल टू एम भी एन स्क्वायर हमने फिर इक्वेशन नंबर वन ही रख दिया चूँकि ये इक्वेशन नंबर हम बदलना नहीं चाहते हम इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं और इस जो सेकेंड इक्वेशन है इसकी बात कर रहे हैं इनफैक्ट अगर आप इस दोनों इक्वेशन को देखें ये हमारा दूसरा इक्वेशन है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि इस दो इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटी है एक है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस या आर और दूसरा है इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी एन बोथ आर अननोन दोनों अननोन है अब ध्यान दीजिए कि आपके पास दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है जिसमें ये दो अननोन क्वांटिटी कंटेंट है और आप इस दोनों को जानना चाहते हैं बताइए यह सॉल्यूशन संभव है कि नहीं डेफिनेटली यस yes. क्योंकि अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ अननोन्स आर सेम सॉल्यूशन इज पॉसिबल हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इस दो इक्वेशन के सॉल्यूशन से इस दोनों अननोन क्वांटिटी को निकाला जा सकता है अब कैसे निकालेंगे उसका तो अलजेबरा होगा जो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए हमारा एम अभी पहले क्या है रेडियस कैलकुलेशन ध्यान दीजिए अगर आप रेडियस आर एन को जानना चाहते हैं लेकिन भी एन भी अननोन है तो निश्चित रूप से इक्वेशन वन अथवा टू में से हमें भी एन को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि वह तो स्वयं अननोन है हम आर एन जानना चाहते हैं तो करेंगे क्या किसी एक इक्वेशन से भी एन को फाइंड आउट करेंगे और दूसरे इक्वेशन में रख देंगे आपको आर एन मालूम हो जाएगा तो हमने यहाँ क्या किया है कि हमने जो इक्वेशन नंबर टू है वहाँ हमने वी एन को फाइंड आउट किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ आर एन आर एन के टर्म में अब वी एन का यही वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर वन में भी एन के जगह पर वी एन एलिमिनेटेड हो जाएगा और आर एन मालूम हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिए इक्वेशन वन में हम इक्वेशन टू का यूज करने जा रहे हैं ध्यान से देखिए जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई एफसेल नॉट आर एन ये आपका एल एच एस है इक्वेशन नंबर वन का आर एच एस में क्या है एम भी एन स्क्वायर तो एम तो आपने लिखा अब वी एन इक्वेशन टू को देखो इक्वेशन टू कहा था कि भी एन इज इक्वल टू दिस मच दैट इज एन एच डिवाइडेड बाय टू पाई एम आर एन लेकिन हमारे में है भी एन स्क्वायर तो हम इसका स्क्वायर करके रखेंगे तो दिस विल बी एम टाइम्स एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर इज इट क्लियर अब आप देखिए अब हम आर एन आर एन दोनों तरफ है कैंसिल फोर फोर कैंसिल पाए आर एच एस के पाए से कैंसिल एक एम भी आप देखिए कैंसिल इस सारे कैंसिलेशन के बाद आपका एल में क्या बच रहा है जेड ई स्क्वायर बाय एफसेल नॉट केवल इतना बच रहा है आर में एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम आर एन ध्यान से देखिए सो अब इक्वेशन बिकम्स जेड ई स्क्वायर बाय एफसेल नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम आर एन आपका एम क्या है आर को फाइंड आउट करना और आप देख सकते हैं कि हमारा इक्वेशन दूसरा जो अननोन था भी उससे फ्री हो चुका है अब हम आर एन के लिए एक्सप्रेशन ईजिली यहाँ से निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं कि आर एन विल बी वॉट दिस विल बी एन स्क्वायर बाय जेड टाइम्स एफसेल एन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर हमने इस इक्वेशन को एक प्रॉपर मैनर से लिखा है अक्सर किताबों में ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है आप जरा ध्यान दीजिए हमने इस फैक्टर एन स्क्वायर बाय जेड को सेपरेट करके लिखा है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर जो क्वांटिटीज है गौर करिए किसी भी एटम की बात करेंगे हाइड्रोजन की बात करें या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करें ये जो ब्रैकेटेड टर्म्स है क्वांटिटीज है दैट विल रिमेन सेम लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर है एन स्क्वायर बाय जेड वो चेंज कर सकता है इसीलिए हमने एन स्क्वायर बाय जेड को थोड़ा सेपरेट करके लिखा अगर आप इस फॉर्म में इक्वेशन को याद रखेंगे ये सब रिजल्ट याद भी रखना पड़ता है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आपको इजीली याद भी रहेगा और ये यूजफुल भी होगा गलती की संभावना कम होगी तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा ये आपने फाइंड आउट कर लिया एंड ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है इसीलिए हमने थोड़ा इक्वेशन नंबर बदल के लिख दिया इसको कहा ए अब देखिए अब ये रिजल्ट तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक -like के आइटम सबके लिए एप्लीकेबल है अब पर्टिकुलर रूप से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम देन व्हाट विल हैपन यू नो फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू वन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटोन होता है वन वन जो हाइड्रोजन की आप बात करते हैं तो जेड इसका वन है अगर हम इसी इक्वेशन ए वन में जेड का वैल्यू वन रख दें तो इक्वेशन ए वन पर्टिकुलर रूप से हाइड्रोजन एटम के में इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट है उसके रेडियस को बताएगा इसलिए आप ध्यान दीजिए कि हमने इक्वेशन ए वन में जेड को कर दिया वन और तब यह एक सबस्क्रिप्ट लगा दिया एच आर एन एच इट मीन्स रेडियस ऑफ द एनएथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड square विल बी सिंपली इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स एफ एन नॉट एच स्क्ट ओके बिल्कुल क्लियर है आप एन का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंट ऑर्बिट्स है उसका रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम के में इलेक्ट्रॉन के पहले ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्बिट व्हाट विल बी यू नो फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट एन इक्वल टू वन तो अगर वन रख दें इसी इक्वेशन में के जगह पर तो हमारा रिजल्ट क्या होगा दिस विल बी आर वन एच रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर बिकॉज एन इज वन इनफैक्ट दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी हाइड्रोजन आइटम का जो पहला ऑर्बिट है उसका रेडियस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर या क्वांटिटी है अक्सर ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसका यूज होता रहता है इसलिए हम लोग इसके लिए एक स्पेसिफिक सिम्बॉल का यूज करते हैं इस आर वन एच के जगह पर हम लोग बेसिकली इसको ए नॉट सिम्बॉल से डिनोट करते हैं जहां भी आप ए नोट लिखा हुआ देखें समझ जाएं कि दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और इसको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है दिस इज ऑल्सो नोन एज बोर रेडियस ए नॉट इज नोन एज बोर रेडियस तो बोर रेडियस का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा एफसेल नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर आप देख सकते हैं कि ए नोट को डिफाइन करने वाला यह जो इक्वेशन है इसमें जो भी क्वांटिटीज है ऑल आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक मानते हैं इसलिए एम जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना है क्यों मोशन को नॉन रिलेटिविस्टिक मानते हैं जब हम स्पीड कैलकुलेशन करेंगे तो इस बात का जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को नॉन रिलेटिविस्टिक मानते हैं आप देखेंगे कि लाइट के स्पीड की तुलना में ये बहुत कम होता है और इसीलिए इसको इसके मोशन को नॉन रिलेटिविस्टिक माना जा सकता है इसलिए एम का मतलब यहाँ क्या है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक के मोशन में इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसा हम लोग बाद में देखेंगे अभी इसका जस्टिफिकेशन भी होगा तो आप देखिए अगर इस ए नोट के टर्म में अब हम आर एन का जो जनरल एक्सप्रेशन है उसको रखें आप ध्यान से देखिए इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर जो फैक्टर है एफसेल एन नोट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर इसी को तो आप ए नोट कहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ ए नॉट इक्वेशन ए वन जो कि जनरल एक्सप्रेशन है फॉर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आप उसको क्या लिख सकते हैं आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड इन टू ए नॉट ध्यान से देखिए आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड इन टू ए नॉट अब ए नोट को डिफाइन करने वाला जो इक्वेशन है उसमें आने वाला जो क्वांटिटीज है एफसेल एन नोट एच पाई एम ई जैसा हमने अभी जस्ट आपसे कहा कि ऑल दीज आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट दे हैव डेफिनेट वैल्यू एंड ऑल वैल्यूज आर मेजर्ड आप देखिए हमने यहाँ सारे वैल्यू को मेंशन किया है और हमको उम्मीद है कि ये सारा वैल्यू आप पहले से जानते हैं एफसेल एन नोट का वैल्यू यहाँ मेन्शनड है एच का वैल्यू मेंशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई का वैल्यू और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सारा चीज हमने मेंशन कर दिया अब अगर ये सारा न्यूमेरिकल वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर ए थ्री में हमने पुट करके नहीं दिखाया सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाया आप स्विंग कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आफ्टर कैलकुलेशन या आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए नोट का वैल्यू आ जाएगा 5.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस एलेवेन मीटर जिसको आप 0.53 पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस टेन मीटर भी कर सकते हैं लेकिन आप जानते हैं कि जो 10 टू पावर माइनस टेन मीटर दिस इज वन एंगस्ट्रम सो दिस इज 0.53 पॉइंट फाइव थ्री एंगस्ट्रम एक्चुअली ये जो एग्जैक्ट फिगर की अगर बात करें ना तो ये आता है जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एंगस्ट्रम आप इसी को रफली बोलते हैं जीरो पॉइंट फाइव थ्री एंगस्ट्रम एंड यू शुड रिमेंबर इट ये वैल्यू आपको एकदम याद होना चाहिए कि बोर ऑर्बिट का जो बोर ऑर्बि रेडियस जो है वह जीरो पॉइंट फाइव थ्री एंगस्ट्रम होता है जब आप कहते हैं बोर रेडियस इसका मतलब क्या होता है हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप एकदम कंठाग रख के बिल्कुल याद रखिए तो अब अगर इस इक्वेशन ए फोर में हम ए नोट का वैल्यू जानते हैं उसको पुट करके ही लिख दें तो आर एन के लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा एन स्क्वायर बाय जेड टाइम्स जीरो पॉइंट फाइव थ्री अब आप देखिए आप इस फॉर्मूला को अगर याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी बहुत ही सहूलियत की बात होगी मैं इस संबंध में एक बात आपको बता दूं कि ये जो थेरेटिकल कैलकुलेशन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अक्सर नहीं आता है अक्सर यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करने आता है एटॉमिक मोलिकुलर फिज़िक्स का मेन पर्पस भी वही है लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका फिजिक्स ऑप्शनल है या यू पी एस सी जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़मिनेशन में आपका फिजिक्स ऑप्शनल है तो वहाँ ये जो कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए यूपीएससी का कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा आपको उस दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ अगर आप ऐसे एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं बाई टेकिंग फिजिक्स एज एन ऑप्शनल पेपर तो ये सब जो बातें हैं ये सब जो कॉन्सेप्ट है दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से आना चाहिए जैसा मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको यह नहीं आया तो आपको जब यह लेक्चर लाइव होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए कि ये पॉइंट हमको क्लैरिफाइड नहीं है मैं उस समय भी ट्राई करूँगा कि आपको क्लैरिफाई कर दूँ अब रेडियस कैलकुलेशन के बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे कैलकुलेशन का जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के स्पीड का कैलकुलेशन करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ये कैलकुलेशन जब आपने रेडियस का कर लिया तो बड़ी आसानी से आप अब स्पीड uh, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप जरा ध्यान से देखिए हमने यहाँ लिख रिपीट कर दिया जिससे हमको पेज नहीं टर्न करना पड़े आप अभी इक्वेशन नंबर टू में देखे थे कि वी एन के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम आर एन वी एन का यह एक्सप्रेशन है ठीक है इसी को थोड़ा अरेंज करके हमने लिखा एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम इन टू वन ओवर आर एन वन ओवर आर एन और आर एन के लिए तो अभी आपने जस्ट एक्सप्रेशन निकाला है इक्वेशन नंबर ए वन को देखिए दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर आर एन तो आर एन इज इक्वल टू दिस मच ये हमने फिर रिपीट कर दिया इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर भी ए वन ही लिखा है अब आर एन का यह वैल्यू अगर इक्वेशन टू में रखा जाए ध्यान दीजिए हमारे इक्वेशन टू में है वन ओवर आर एन तो क्या करेंगे इसी आर एन का रेसिप्रोकल लेकर के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एन एच बाई ट में तो आप देखिए वी एन बराबर होगा एन एच डिवाइडेड बाय टू पाएम जो कि हमने एट इज लिख दिया और वन ओवर आर एन आर एन इज दिस मच तो वन ओवर आर एन करेंगे तो उल्टा करके लिखो दिस विल बी जेड बाई एन स्क्वायर टाइम्स पाए एम ई स्क्वायर बाय एफ सल एंड नॉट एच स्क्वायर इज इट ओके अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप ध्यान से देखिए कि आपका ये जो पाए है इस पाए से कैंसिल हो जाएगा यहाँ जो एम है इस एम से कैंसिल हो जाएगा ठीक है और जो एन एक है यह इस एक एन से कैंसिल हो जाएगा ठीक है यहाँ जो एच है वह इस एक एच से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली बच क्या रहा है ज़रा ध्यान से आप इसको देखिए इनफैक्ट न्यूमरेटर में एक जेड बचता है और डिनोमिनेटर में एन में सिर्फ एक एन बचा सो जेड बाई एन और रिमेनिंग फैक्टर होगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एप सेल नॉट एच सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम ये हाइड्रोजन लाइक ऐटम चूंकि जेड को अभी हमने वन नहीं लिया इसलिए जनरल फॉर्मूला लिया आप यहां भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो किसी किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के ऑर्बिट में स्पीड होगा वह दो बातों पर निर्भर कर रहा है कि वह एटम कौन है दैट तो इज उसका एटॉमिक नंबर क्या है कितना प्रोटोन है उसके न्यूक्लियस में और किस ऑर्बिट में वह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन पर भी डिपेंड करता है वह तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ जेड एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन रख करके अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एटम में हम इलेक्ट्रॉन का स्पीड इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं फिर अगर हम लोग अब पर्टिकुलर बात करेंगे हाइड्रोजन एटम का तो उसके लिए जेड का वैल्यू क्या कर देंगे वन ध्यान से देखिए फॉर एच एटम पर्टिकुलर रूप से हम बात कर रहे हैं एच एटम का हाइड्रोजन एटम का तो जेड विल बी इक्वल टू वन एंड देयर फोर अगर बात करें हाइड्रोजन एटम के एनएथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के स्पीड का तो दैट विल बी वन बाय एन वन बाय एन ई स्क्वायर ओवर टू एफसेल एन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एफ सेल नॉट एच दिस इज बी टू आप इस रिजल्ट से हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब देखिए अब पर्टिकुलर रूप से फिर अगर कहें कि एटम हमारा हाइड्रोजन का ही है और हम उसके फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व कर रहा है तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू वन हो जाएगा एंड देयर फोर जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा वी वन एच वाट विल बी दैट एन को वन कर दीजिए तो दिस विल बी सिंपली ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एफ सेलन नॉट एच दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आप ध्यान से देखिए से दिस इज बी थ्री अब फिर देखते हैं कि इस भी वन एच को डिफाइन करने वाले क्वेश्चन में जो ई एफ सेल एन और एच है ऑल आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स और हमने इस सब का वैल्यू आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है पहले ही फिर अगर हम अब ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाते हैं लेकिन आप स्वयं या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं ई का एफसेल नोट का एच का वैल्यू रखिएगा और देखिएगा कि आपको वी वन एच का वैल्यू मालूम हो जाएगा इट इज फाउंड दैट फाउंड दैट जब आप सारे वैल्यू को रखेंगे तब यह रिजल्ट मिलेगा हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया ये आपके लिए होमवर्क है आप स्वयं कर सकते हैं वन एच का वैल्यू आ जाएगा टू पॉइंट वन एट इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड सिक्स मीटर पर सेकेंड या रफली इसको याद रखने में सहूलियत होगी आप टू पॉइंट वन एट के जगह पर लिखिए टू पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड टू पॉइंट टू इंटू टेन टू दी पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड आप इतना इसको मान सकते हैं अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ये जो स्पीड का मान आया इलेक्ट्रॉन के स्पीड का हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में अगर इसके टर्म में अब हम व्ही का एक्सप्रेशन लिखें याद रखने में सहूलियत होगी आप देख रहे हैं कि वी एन इज जेड ओवर एन टाइम्स दिस मच और इसके जगह पर क्या लिख देंगे 2.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर सिक्स मीटर पर सेकेंड तो ये बड़ा ही यूजफुल रिजल्ट है फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्योंकि आपको बार बार ये सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ेगा अगर आप इसको याद रखते हैं अब आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम हाइयर ऑर्बिट की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पीड और कम ही होगा दिस इज़ द हाईएस्ट स्पीड क्योंकि एन के बढ़ने पर स्पीड घटेगा सबसे ज़्यादा स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा सो दिस इज़ द हाईएस्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हाइएस्ट स्पीड और ये जो हाइएस्ट स्पीड है या कितना है यह आप तो देख ही लिए इनफैक्ट आप जानते हैं कि जो लाइट का जो स्पीड होता है फ्री स्पेस में अगर उससे हम कंपेयर करें इसको आप जानते हैं कि सी इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड सी का जो वैल्यू है वो आपको पता है कि दिस इज थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड वन एच आपने देखा कि दिस इज टू प्वाइंट टू इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड तो देरफोर अगर हम निकालें कि भी वन एच ओवर सी व्हाट विल बी दिस दिस विल बी टू पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर सिक्स ओवर थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट एंड इन फैक्ट दिस इज इक्वल टू वन ओवर वन थ्री सेवन सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको मिलेगा एंड सो यू कैन से दैट भी वन एच फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का स्पीड ये लाइट के स्पीड का एक सौ सैंतीसवा भाग होता है दिस इज वन ओवर थर्टी सेवन टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अब इसी से आप देखिए कि इसका मतलब है कि जो वी वन एच है वह सी से बहुत ही छोटा है दिस इज ओनली दिस इज एक्चुअली लेस देन वन परसेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट दिस इम्प्लाइज वी वन एच इज लेस देन वन परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और इतना वैल्यू स्पीड का जो है वो हाईएस्ट है इसके बाद दूसरे ऑर्बिट में इससे कम ही होगा जैसे अगर तुम बात करते हो कि जो हम दूसरे ऑर्बिट में जानना चाहते हैं तो इसमें और दो से भाग देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एन नीचे है ना एन का वैल्यू दो रखना पड़ेगा तो घट जाएगा और ये जो स्पीड है चूंकि यह लाइट के स्पीड का वन थर्टी लाइट के स्पीड से वन थर्टी सेवन टाइम्स लेस है इसका मतलब जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का वह नॉन रिलेटिविस्टिक है मतलब जो वी वन एच है वह सी को अप्रोच नहीं कर रहा है This implies motion of the electron is non-relativistic. तो आप याद कीजिए हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो मास है वह रेस्ट मास लेते हैं क्यों लेते हैं मास वेरिएशन जो रिलेटिविटी कहता है कि अगर कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक मोशन में होगा उसका स्पीड अगर लाइट के स्पीड को अप्रोच कर रहा है तो उसका मास भारी करेगा मास वेरिएशन को रिलेटिविस्टिक मास वेरिएशन जो आप फार्मूला जानते होंगे एम इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय वन माइनस स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट लेकिन इस फॉर्मूला को अंडर अकाउंट यहाँ नहीं लेना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वह अब वास्तव में नॉन रिलेटिविस्टिक है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड सो ये बात जस्टिफाइड हो जाता है क्यों हम अपने कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन का मास रेस्ट मास ही लेते हैं तो इज इट क्लियर आपको स्पीड कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन का क्लियर हो गया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं यस और नो अगर कोई भी कठिनाई हो तो फिर जैसा आपको कहा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हम उसको डेफिनेटली क्लियरिफाई करेंगे अब जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर ऑर्बिट की बात करेंगे और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट क्या होगा सॉरी uh, एनथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा उसको कैलकुलेट करेंगे पहले हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए फिर उसको पर्टिकुलर रूप से हाइड्रोजन के लिए डिस्कस करेंगे अब ध्यान से देखिए जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है किसी ऑर्बिट में तो यहाँ एनर्जी का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी से अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन में मोशन है सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन में क्या है मोशन और मोशन है तो उसमें क्या होगा काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिर आप देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है इसके बीच इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम कर रहा है दिस इज प्लस जेडी न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई और इस दोनों के बीच म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है एट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है और ये दोनों आर एन डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है हमेशा तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है जो एट्रैक्टिव है और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है और किसी सिस्टम के दो पार्ट के बीच अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो उस सिस्टम में ड्यू टू दैट कंजर्वेटिव फोर्स एक एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी चूंकि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा तो दूसरा एनर्जी भी हमारे इलेक्ट्रॉन में है और वह है पोटेंशियल एनर्जी जो किस नेचर का इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और किस कारण से है यह तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रो टेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इस दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उस कारण से इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा हम लोग अगर इस दोनों एनर्जी को दैट इज काइनेटिक एनर्जी और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को सेपरेटली कैलकुलेट करके फिर उसको ऐड कर दें अलजरिकली देन यू विल गेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस सिस्टम तब आप उसको जान सकते हैं तो देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन जैसा आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा इस केस में नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में है नॉट इन रिलेटिविस्टिक मोशन रिलेटिविस्टिक मोशन में आप जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है एम माइनस एम नॉट इन टू सी स्क्वायर क्या इस फॉर्मूला का उपयोग यहां करेंगे आंसर होगा नो क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन नॉन रिलेटिविस्टिक है रिलेटिविस्टिक नहीं है रिलेटिविस्टिक होता तो ये फॉर्मूला लिखना पड़ता है तो यहां हम लोग बिल्कुल जो क्लासिकल फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का उसका उपयोग करेंगे ठीक है तो एज द इलेक्ट्रॉन इज इन Non relativistic, non relativistic motion. So it's kinetic energy in nth orbit, nth orbit. अगर इस काइनेटिक एनर्जी को हम के एन कर दें, एन सबस्क्रिप्ट ये बता रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एन अथ था, ऑर्बिट देन यू नो तो दिस विल बी व्हाट? दिस इज़ हाफ एम वी एन स्क्वायर हाफ एम वी एन स्क्वायर बट व्हाट इज दिस भी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ भी आप यहाँ पर देखिए कि वी एन का जो जनरल एक्सप्रेशन है वाई इक्वेशन बी वन में हमने ऑलरेडी लिखा है दिस इज जेड ओवर एन ई स्क्वायर बाय टू एफ नॉट एच तो यही वैल्यू वहां पर पुट करना है इक्वेशन बी वन से तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम इन टू जेड ओवर एन स्क्वायर करना है दिस विल बी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन टू ब्रैकेट में क्या था इ स्क्वायर बाय टू एफसेल एन नॉट एच स्क्वायर करेंगे तो इ फोर बाय फोर एफसेल एन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर दिस विल बी वि फोर बाय फोर एफसेल एन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर ध्यान से एक बार देखिए यस देखिएफसेल एन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर ऐसा होगा सॉरी oh, कुछ लगातार काम करने पर कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो देखिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए आप देख सकते हैं कि के एन का वैल्यू क्या हो जाएगा के एन विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर फैक्टर को फिर बाहर रखिए और यहाँ देखिए एम ई फोर डिवाइडेड बाय एट एफसेलन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मान लीजिए हम इस इक्वेशन को C1 कहते हैं दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सी बात है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा इस बात को कि यहाँ दो पॉइंट चार्जेज है एक है हमारा न्यूक्लियस जिसका चार्ज है प्लस जेडी दूसरा है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है माइनस ई दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है आपको याद होगा कि अगर हम बात करते हैं कि एक चार्ज है क्यू वन प्लस माइनस क्यू वन कहिए और दूसरा चार्ज है माइनस प्लस क्यू इसका मतलब दोनों का चार्ज का अपोजिट साइन है पहला प्लस तो दूसरा माइनस पहला माइनस तो दूसरा प्लस और दोनों आर्ट डिस्टेंस सेपरेटेड से है तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तब नेगेटिव होता है माइनस वन बाय फोर पाएस एल एन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर दिस इज द फॉर्मूला अभी के प्रॉब्लम में क्यू वन के जगह पर जेड ई है क्यू टू के जगह पर ई e है और आर के जगह पर आर एन है तो अब आप पोटेंशियल एनर्जी इसी फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं So two, तो नंबर टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहिए या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस सिस्टम क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आइसोलेटेड पार्टिकल का डिफाइंड नहीं होता है सिस्टम का डिफाइंड होता है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस सिस्टम और क्या होगा उस फॉर्मूला के हिसाब से फिर अगर एन एथ ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी को यू एन मान लें तो दिस यू एन विल बी इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर पाई एन नॉट जेड ई इन टू ई डिवाइडेड बाय आर एन डिवाइडेड बाय आर एन अब इस रिजल्ट में फिर आपको करना क्या होगा इस आर एन का वैल्यू रखना होगा तो आप ध्यान से देखिए कि आर एन का अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे आर एन का वैल्यू जो आपने आर एन पहले फाइंड आउट किया हुआ है इस रिजल्ट को आप देखिए दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर आर एन एन स्क्वायर बाय जेड इंटू एफ सेल एन नॉट एच स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर यही वैल्यू आपको वहां पर पुट करना है ठीक है तो हम पुट करते हैं आप देखिए इस बात को तो दिस इंप्लाइज यू एन इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर पाई एफ एल एन नॉट जेड ई स्क्वायर एड डिड बाय अब आर एन का वैल्यू है वन बाय आर एन उल्टा करके पुट करना होगा दिस विल बी इनफैक्ट एन एन स्क्वायर एन स्क्वायर दिस विल बी एन स्क्वायर एफ सेल नोट एच एन स्क्वायर एफसेल एन नॉट एच स्क्वायर एच स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ पर देखिए कि आपका जो रिजल्ट है वह एग्जैक्टली exactly ऐसा ही आएगा केवल जहाँ नंबर एट है वहाँ पर फोर हो जाएगा तो बाक़ी सब कुछ आप सेम लिख सकते हैं तो दिस विल बी माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर टाइम्स एम ई फोर एंड डिवाइडेड बाय फोर एफसेल एन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर आप सिंप्लीफाई करके इस रिजल्ट को देख सकते हैं ठीक है तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस सिस्टम इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम एक बात आप जरा ध्यान से देखिए के एन और यू एन के वैल्यू को अगर हम देखें तो आप एक बात ओबियसली देख सकते हैं इट इज ओबियस दैट द मॉड ऑफ यू एन पोटेंशियल जी नेगेटिव है दिस इज इनफैक्ट ट्वाइस ऑफ के एन काइनेटिक एनर्जी से ठीक पोटेंशियल एनर्जी का मोडलस दोगुना है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यूएन का वह टू टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी से तो आपने सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी अब अगर इस दोनों को सिंपली अल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे देन यू विल गेट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नंबर थ्री टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में अगर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई एन लिख दें तो दिस विल बी के एन प्लस यू एन और अगर आप इसका अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसका वैल्यू रखना होगा दोनों का तो देखिए दिस इज यू एन के एन और यू एन आप क्या देख रहे हैं कि के एन का वैल्यू है एन सॉरी दिस इज जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर नॉट एन दिस इज़ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर टाइम्स एम ई फोर बाय एट एफ सेल एन नोट स्क्वायर एच स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर टाइम्स एम ई फोर बाय फोर एफ सेल नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर अब दोनों को आप सिंपली ऐड करिए मैंने सब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ई एन का एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर टाइम्स एम ई फोर एंड डिवाइडेड बाय एट एफ एल एन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम फिर अगर इसको देखें एक तो सिग्निफिकेंट बात है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है जो इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी को डील करता है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगर इस एक्सप्रेशन में फिर हम बात करें पर्टिकुलर रूप से हाइड्रोजन एटम का और उसके भी फर्स्ट ऑर्बिट का फॉर फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट देखिए यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम

अब फिर इसमें सारा स्टैंडर्ड वैल्यू है अगर इस सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे एम का ई e का एफसेल नॉट नोट और एच का तो आप देखेंगे कि वन का जो वैल्यू आता है वो आता है माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन जूल या इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने हैं, तो इसको डिवाइड करना होगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन से और तब ये वैल्यू आएगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मालूम होगा कि दिस इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल तो इससे आप कन्वर्सन कर सकते हैं दिस इज एक्चुअली द वेरी इम्पॉर्टेंट वैल्यू ई वन का जो मान है वह माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ऐसी स्थिति में आप इस जनरल एक्सप्रेशन को इस रूप में याद रख सकते हैं कि ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इंटू थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम में के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसके एनर्जी का वैल्यू आप बड़ा ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अब अगर हम चाहें कि हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या होगा उसको बता वे? तो फॉर एच एटम जेड इक्वल टू वन तो बोलिए ई वन बराबर ये तो आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी दिस इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं अगर हम ई टू की बात करें ई टू वेन यू से ई टू इट मीन्स यू आर टेकिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू टू अगर टू ले लेंगे तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर मीन्स फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड करिएगा तो माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई थ्री अगर आप निकालना चाहते हैं व्हाट विल बी दैट दैट विल बी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री स्क्वायर नाइन से डिवाइड करो और नाइन से डिवाइड करेंगे दिस विल बी माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन भोल आप ध्यान से देखिए अगर हम लोग इसी तरह से ई इन्फिनिटी निकालें इट मीनस एन इज इन्फिनिटी तो आपको इन्फिनिटी स्क्वायर से डिवाइड करना होगा दैट इज जीरो आप एक बात यहां देख सकते हैं एक बहुत रिमार्केबल बात है कि अगर हम ई टू माइनस ई वन फाइंड आउट करें ई टू माइनस ई वन दैट इज एनर्जी जो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का है और फर्स्ट ऑर्बिट में उसका डिफरेंस तो दिस विल बी माइनस थ्री पॉइंट फोर माइनस माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जो हो जाएगा प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स एंड दैट विल बी टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो दस दशमलव दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब अगर हम बात करें ई थ्री माइनस ई टू ई थ्री माइनस ई टू ई थ्री इज माइनस वन पॉइंट फाइव वन और ये हो जाएगा तब प्लस थ्री पॉइंट फोर कितना निकलेगा थ्री पॉइंट फोर जीरो कह दीजिए तो नाइन और यहाँ हो जाएगा थर्टीन माइनस फाइव टेन माइनस वन नाइन यस और यहाँ थ्री बच गया और तेरह में से पाँच को सब्टैक्ट करो तो आठ बचा ना एट एंड वन पॉइंट एट नाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है आप चेक कर सकते हैं इसको तो एक बात आप यहाँ पर देखें यहाँ पर एक खास बात यह है कि जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्लोजर होता चला जा रहा है और फाइनली जो एनर्जी है वह ज़ीरो हो जाता है तो अगर आप मान लीजिए कि इसको कहते हैं कि दिस इज़ योर फर्स्ट एनर्जी लेवल दैट इज़ एन इज इक्वल टू वन तो एनर्जी है इसका माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स वोल्ट फिर आप लेते हैं एन इक्ल टू टू ये पेन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो माइनस थ्री फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर आप एन इक्वल टू थ्री लेते हैं तो माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस तरह से आप देखते हैं कि एनर्जी लेवल क्लोजर होता चला जा रहा है जो इनर एनर्जी लेवल्स है दे आर मोर सेपरेटेड एंड द हायर एनर्जी लेवल्स आर क्लोजर फाइनली अगर हम बात करें बहुत ही हायर एनर्जी लेवल का जबकि आप कहते हैं कि ई e हमारा इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो इनफैक्ट उस समय ये जो एनर्जी लेवल है वो ऑलमोस्ट सेपरेटेड नहीं है बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है

एक्चुअली एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज द स्पेक्ट्रम जो हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक -like के आइटम का वह इसी एनर्जी के एक्सप्रेशन के आधार पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह आप क्लास समझ में आया होगा और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई कठिनाई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जब क्लास लाइव होगा उस समय आप इसको